फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे इंडिया। फ्रेंड्स, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से मुझे कुछ मजेदार व्यू नजर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको जरूर दिखाऊं। यह स्थान है हाथी नाला सोनभद्र में और यह बहुत ही प्रसिद्ध लोकेशन है और आने वाले समय में यह विश्व के पर्यटन मानचित्र पर भी यह दिखाई देगी, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर यहाँ कार्य हो रहा है। आसपास की लोकेशन वन क्षेत्र से भरपूर है और जिसे वन क्षेत्र भ्रमण का जिसे आनंद लेना होता है उसके लिए जगह बहुत ही आनंददायक है। जब आप हाथी नाला तिराहे से दुद्धी की तरफ जाएंगे तो घना वन क्षेत्र दिखाई देता है जो लगभग 11 किलोमीटर होता है, तो उसमें उससे गुजरने का एक अलग ही रोमांच और एक अलग ही मजा होता है। भरपूर प्रकृति का आनंद वहाँ पर दिखाई देता है। तो आप देख रहे होंगे कि यह तिराहा बहुत ही व्यस्त है और इस तिराहे से तीन तरफ से वाहन आते हैं। रॉबर्ट्सगंज की तरफ से इधर आते हैं डाला होते हुए, तिलगुड़वा होते हुए, और दुद्धी की तरफ से इधर वाहन आते हैं और आते भी हैं और जाते भी हैं। यहाँ पर बसें ड्रॉप करती हैं दुद्धी के लिए और रेणुकूट के लिए। तो क्योंकि सोनभद्र पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर हेवी व्हीकल अपना ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो इधर से इस तिराहे पर अगर आप खड़े होंगे तो आपको लगातार दिखाई देगा कि हेवी व्हीकल्स इधर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर नज़ारा देखना बहुत ही मज़ेदार होता है। पास में ही है एक हाथी नाला इको डाइवर्सिटी पार्क है, जिसे घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और पूरे पूर्वांचल में ऐसा बायोडाइवर्सिटी इको डाइवर्सिटी पार्क आपको नहीं मिलेगा। वन विभाग के अंतर्गत आता है और जिस पर बड़ा कार्य हो रहा है और आने वाले समय में विश्व के पर्यटन मानचित्र पर यह स्थान दिखाई देगा। यह जो मैं दिखा रहा हूँ यह पंचमुखी श्री हनुमान जी का मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है, लोग दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। यह रास्ता जो सामने दिख रहा है यह रेणुकूट की तरफ जाता है। आप देख रहे होंगे हमारे ब्लॉग में, आप देख रहे होंगे कि जो भारी वाहन है बहुत से यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास में ही यह आपको दिखाई दे रहा है आदर्श थाना हाथी नाला, और काम व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जगह पर बड़े बड़े थाना की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। और यह जो मार्ग मैं दिखा रहा हूँ यह आता है रॉबर्ट्सगंज की तरफ से। देखिए बसें आती हैं और जाती हैं, यात्री यहाँ ड्रॉप करते हैं और जो यात्री यहाँ पर उतरते हैं उनको यहीं से दुद्धी के रूट की भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो यह बहुत ही मज़ेदार जगह भी है और लोग इस जगह से गुजरने वाले हाथी नाला प्लेस को भूल नहीं पाते। फ्रेंड्स, फिर आता हूँ कुछ मज़ेदार जानकारी।